आलिया और रणबीर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक और शादी होने जा रही है। ये शादी साउथ के एक एक्टर की होने जा रही है। सबसे बड़ी बात, साउथ के इस एक्टर ने पिछले साल ही अपना डिवोर्स अनाउंस किया, 4 साल की शादी खत्म की। मैं बात कर रही हूँ नागा चैतन्य की। नागा चैतन्य जिन्होंने लास्ट ईयर समांथा से डिवोर्स अनाउंस किया था, और डिवोर्स के बाद जहाँ समांथा अपने करियर पर फोकस कर रही है, वहीं कहा जा रहा है कि नागा चैतन्य इस ब्रेकअप से उभर नहीं पा रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। यही कारण है कि फैमिली वाले चाहते हैं कि नागा चैतन्य को जल्द ही कोई लड़की मिल जाए जो उन्हें संभाल सके, इस स्थिति से उन्हें उभार सके। नागा चैतन्य के लिए ये टाइम काफ़ी टफ हो रहा है, इसीलिए अब फैमिली वाले जल्द से जल्द नागा चैतन्य की शादी करवाना चाहते हैं। नागा चैतन्य अब फिल्म इंडस्ट्री में शादी नहीं करेंगे, वो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर की लड़की से ही शादी करेंगे। 6 महीने हो गए हैं उनकी शादी टूटे, लेकिन शादी टूटने का जो दर्द है वो उनसे झेला नहीं जा रहा है। फैमिली वालों को, यानी कि नागा अर्जुन और उनकी वाइफ को, नागा चैतन्य की बहुत चिंता सता रही है। इसीलिए फैमिली ने नागा चैतन्य के लिए लड़की देखनी शुरू कर ली है। कहा जा रहा है कि किसी बिजनेस फैमिली की लड़की को ही लाया जाएगा जो नागा चैतन्य की लाइफ को संवार सके और उनके घर को, घर वालों को संभाल सके, और जब उनकी वाइफ घर का ख्याल रखे तब नागा चैतन्य आराम से अपना काम कर सके। तो कह सकते हैं कि एक हाउसवाइफ की तलाश कर रहे हैं नागा चैतन्य के परिवार वाले उनके लिए। अब नागा चैतन्य ने अपनी लाइफ अपनी फैमिली के हाथों में दे दी है और फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। फैमिली के मर्जी के हिसाब से ही वो अब अपनी अगली शादी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि नागा चैतन्य जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा फिल्म में वो नजर आएंगे।